हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास ये एप्स में ये एरर आ रहा है, इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं, तो मैं आपको यही बताने वाला हूं। बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। दोस्तों, मैं इस चैनल पर यूट्यूब के शॉर्ट वीडियोज़ भी अपलोड करते रहता हूँ टेक से रिलेटेड, तो आप जो है मेरे चैनल में जाकर शॉर्ट्स वीडियो भी जो है देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर टास्क मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना है ईए गेम्स। अगर आपके पास यहाँ पर ईए गेम्स शो हो रहा है, तो आप जो है इसको सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर आपको एंड टास्क के ऊपर क्लिक कर देना है, ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ईए बैकग्राउंड सर्विस, आपको इसको भी जो है एंड टास्क कर देना है। यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए, एंड टास्क के ऊपर क्लिक कीजिए, तो ये क्लोज हो जाएगा। फिर आप जो है इस विंडो को क्लोज कीजिए। उसके बाद आपको जो है विंडोज़ 11 की सेटिंग में जाना है। अगर आप विंडोज़ 10 भी यूज़ कर रहे हैं, तो आप जो है विंडोज़ की सेटिंग में जाइए। स्टार्ट मेनू पर क्लिक कर सेटिंग पर क्लिक कीजिए, सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐप्स के सेक्शन में आना है, इस पर क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर ऐप्स एंड फीचर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है ईए ऐप्स। उसके बाद आप जो है यहाँ पर थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक कर अनइंस्टॉल के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर से अनइंस्टॉल के ऊपर क्लिक कीजिए, ईए गेम्स अनइंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से रीइंस्टॉल कीजिए ईए ऐप्स को। उसके बाद आप अपने पीसी को रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस, इस तरीके से आप इजीली ईए ऐप्स का एरर जो है रिमूव कर सकते हैं अपने विंडोज़ पीसी में से। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।